सी डबल ए के विरोध में लखनऊ में हुए उग्र प्रदर्शन और हिंसा के बाद गुरुवार से बंद इंटरनेट सेवा आज दोपहर बहाल कर दी गई। गुरुवार को राजधानी लखनऊ में भड़की हिंसा के बाद एहतियातन जिले में इंटरनेट सेवा देर शाम से बंद कर दी गई थी। वहीं पुराने लखनऊ इलाके में दंगा करने वालों की पहचान की गई है। ठाकुरगंज में हुई हिंसा में बड़ी संख्या में उपद्रवी शामिल थे। एसएसपी ने उपद्रवियों की फोटोज जारी किए हैं, तो इन तस्वीरों को भी आप देख लीजिए। तो हमारे संवाददाता ने एसएसपी और एडीजी दोनों से बातचीत की है, क्या कुछ कहना था उनका वो भी आप सुनिए। लखनऊ में जिस तरह का प्रदर्शन हुआ था, जिस तरह की आगजनी हुई थी, जिसके बाद कह सकते हैं कि लखनऊ के हालात जो हैं वो सामान्य हो चुके हैं, इसी में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एडीजी एसएन सावत सर। सर, किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं? लखनऊ में कल पूरा शांतिपूर्ण रहा, आज भी शांतिपूर्ण है, जनजीवन सामान्य है। यहाँ पर कोई शांति व्यवस्था को लेकर विशेष बात नहीं, लेकिन पुलिस की चौकसी तथा प्रशासनिक व्यवस्था ये बरकरार है। सेक्टर स्कीम में डिवाइड करके हम लोग पूरे शहर का विशेष व्यवस्था कर रखे हैं, अतिरिक्त फोर्स भी लगाया गया है, और जो लोगों ने तोड़फोड़ में जो लोग का नाम आया है उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जा रहा है। उसके साथ साथ उनसे रिकवरी भी की जाएगी, जो पब्लिक प्रॉपर्टी या उन्होंने जो डैमेज सब किया है उनसे रिकवरी भी होगी। सर, तमाम लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, किस तरह से सर आखिर चिन्हित किया जा रहा है सर इन लोगों को, कैसे सर पकड़ा जा रहा है, सीसीटीवी से या और किसी से? सर, कुछ लोग तो मौके पर ही पकड़े गए थे, उसके बाद उनको फुटेजेस से आइडेंटिफाई किया जा रहा है, और जो वास्तविक रूप से इसके लिए उत्तरदायी है, जो हिंसा में इन्वॉल्व रहे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी भी सर कुछ जगह ऐसा है सर जिनको संवेदनशील माना जा रहा है, तो पुलिस सर किस तरह से सर चप्पे चप्पे पर सर निगरानी रख रही है? वहाँ पर पूरी व्यवस्था हमारा है और वहाँ पे फोर्स लगाया गया है, अधिकारीगण है, हम लोग बराबर इस परिस्थिति पर नजर रखें। नोटिस दिए गए हैं सर संपत्ति को कुर्क करने का, कब तक सर ये आदेश जारी हो जाएगा और कब तक सर इन लोगों की जो संपत्ति है उसको कुर्क किया जाएगा सर? वो उसको एक प्रक्रिया है, वो एक विधिक प्रक्रिया है, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया सर बात करने के लिए। हमारे साथ एडीजी लखनऊ एसएन सावत मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना यह है कि लखनऊ के हालात अब पूरी तरीके से सामान्य हो चुके हैं और जो भी जगह ऐसी हैं जहां पे संवेदनशीलता है वहां पे पुलिस लगातार अपनी निगरानी रखे हुए है। संदीप खेर, कैमरा पर्सन प्रियांश के साथ, R9 TV लखनऊ।